हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी का सिलेबस। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमको चार पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर नॉन कॉर्ड डेटा है, सेकंड पेपर बायोसिस्टमैटिक एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड थर्ड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड फोर्थ पेपर इज़ क्वांटिटेटिव बायोलॉजी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। ईच पेपर्स कैरी ऑन 100 मार्क्स, 25 मार्क्स इंटरनल के हैं और 75 मार्क्स का आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देना है। 100 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल है, जिसमें 25 मार्क्स आपके इंटरनल हैं और 75 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल देना है। अब हम बात करते हैं कि किस पेपर में क्या पढ़ना है, उसकी डिटेल क्या है। यह आपका फर्स्ट पेपर का स्लाइड है, जिसका नाम नॉन कॉर्ड डेटा है। इसमें आपको चार यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, बॉडी कवरिंग एंड स्केलेटन ऑफ प्रोटोजोआ है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है, फिल्टर फीडिंग इन प्रोटोजोन्स है, निमेटोसिस्ट है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेमेटोड्स है, सिस्टोड है। ये आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ निमेटोड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ने हैं, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आपको मॉडिफिकेशन ऑफ फूड इन मोलस्क, टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड, ऑरिजिन ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर नॉन कॉर्ड डेटा में पढ़ना है। आप चाहें तो इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात आती है सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर आपका बायोसिस्टमैटिक एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का है। इसमें भी आपको चार यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़नी है, रिसेंट ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी पढ़नी है, माइक्रोटॉमी पढ़नी है, माइक्रो टैक्सोनॉमी पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में आपको माइक्रो टैक्सोनॉमी पढ़नी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टमैटिक इन बायोलॉजी पढ़नी है, दी प्रेजेंट सिनेरियो एंड दी ग्लोबल टैक्सोनॉमिक इनिशिएटिव पढ़नी है। थर्ड यूनिट में आपको वेरिएशन इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़नी है, म्यूटेशंस पढ़ने हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है, और फोर्थ यूनिट में आपको हैंडी वेंगबर्ग हार्डी वेंगबर्ग लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़नी है। मॉलिकुलर क्लॉक्स भी इसमें आपको पढ़ना है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है। इसकी स्टडी भी हमको क्या कहते हैं चार यूनिट में पढ़नी है। पहली यूनिट में आपको सेलुलर मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन पढ़ना है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं वो पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सेल डिवीजन है, माइटोसिस मियोसिस, ये आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको जेनेटिक्स फर्स्ट मेंडल्स लॉ पढ़ने हैं, और फोर्थ यूनिट में आपको जेनेटिक सेकंड नेचर ऑफ द जीन एंड इट्स फंक्शन इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ये सारी डिटेल में आपको पढ़ना है। आप इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ पेपर की। तो फोर्थ पेपर आपका जो है वो क्वांटिटेटिव बायोलॉजी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसमें आपको मोस्टली चार यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट में आपको बायोस्टैटिक्स का पोर्शन पढ़ना है, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड वेरिएंस कोरिलेशन रेग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी है, और थर्ड यूनिट में आपको माइक्रोस्कोपी पढ़नी है। माइक्रोस्कोपी लाइट फेस कंट्रास्ट है, ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, से स्पेनिंग टेक्निक्स है, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आपको हिस्टोकेमिकल्स एंड इम्यूनो टेक्निक्स पढ़नी है, इसमें आपको एलिसा टेस्ट है, RIA टेस्ट है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स हैं, जिसमें आपको ECG है, CAT है, TMRI है, PET है, MRI है, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। तो इस तरह से आपके MSc फर्स्ट सेमेस्टर में चार पेपर पढ़ने हैं, जिसकी डिटेल स्लाइड आपके सामने है, मैंने बता दिया है, और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।